बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में भी मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी बताया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद किया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। इस दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि घटना के समय वहां पुलिस मौजूद थी। अदालत ने कहा कि इसके बावजूद वो अपने ही लोगों को नहीं बचा पाए, ये दुखद स्थिति है। आखिर ये डॉक्टर बिना डर के कैसे काम करेंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।